इस मूवी में आप एक ऐसे बेचारे लड़के को देखने वाले हो जिसके पीछे तीन लड़कियां पड़ जाती हैं, और ये तीनों लड़कियां बहुत पावरफुल हैं। मतलब जो इनके फादर हैं वो डॉन और पॉलिटिशियंस हैं, और अब इस लड़के को उन तीन लड़कियों में से किसी एक को चूज करना है। इस लड़के की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। फिल्म की शुरुआत में हम दो चिलकोजों को देखते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को शादी का वादा कर रहे होते हैं। यहाँ जो निब्बा होता है वो निब्बी से बोलता है कि तुम ये लॉकेट पहन लो, ये चाबी वाला लॉकेट है, और जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम दोनों शादी कर लेंगे। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं प्रेजेंट में, और यहाँ हमारा निब्बा बड़ा हो चुका है। इसका नाम राकू होता है, और ये एक यकूजा प्लान का लड़का होता है। मतलब जो इसके फादर है वो एक गैंगस्टर है। राकू बड़ा होकर अपने फादर जैसा नहीं बनना चाहता। इसके फैमिली वाले इसको मुन्ना भैया बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये कहता है कि मुझे डॉन नहीं बनना। ये बहुत ही सॉफ्ट दिल का लौंडा होता है, इतना कि बालों में क्लिप लगाता है। मतलब समझ सकते हो कि ये कितना सॉफ्ट है। एक दिन स्कूल जाते हुए इसको एक गोरी बिल्ली मिलती है जो उसके ऊपर कूद कर लैंड करती है, और ये राकू की न्यू क्लासमेट है जो अभी अभी इटली से आई हुई थी, जिसका नाम किरीसाकी होता है। राकू इसको क्लास में देख लेता है और पहचान जाता है। राकू जाता है इसके पास अपना बदला लेने के लिए, और जाकर उसे पूछता है कि तूने मुझे कैसे मारा। यहाँ ये लड़की निकलती है एक टॉम बॉय। मतलब दिखती तो ये लड़की है लेकिन अंदर से ये लड़का है। मतलब इनका दिमाग लड़कों वाला होता है, इनकी बॉडी लड़की वाली ही है। ये उसको उठाकर फेंक देती है, दीवार पर जाकर गिरता है, और इसका अकल ठिकाने आ जाता है, और ये दोबारा उस लड़की से बोलता नहीं है। राकू यहाँ छुप छुप के एक लड़की को पसंद भी करता है, इसका नाम कोसाकी है, और ये बहुत ही इनोसेंट और मासूम लड़की है जिसे ये भी नहीं पता कि प्यार मोहब्बत कैसे करते हैं। राकू वैसे यहाँ पर कुछ बोल तो नहीं पाता, लेकिन इस होप में है कि वो लड़की वही निकले जिसे उसने बचपन में शादी के लिए बोला था। रात को जब ये घर आता है तो उसके फादर बहुत ही गुस्से में होते हैं, क्योंकि एक दूसरे माफिया ग्रुप वालों ने इनके ग्रुप वालों को बहुत मारा है। ये कहते हैं कि हमें फाइट रोकने के लिए तुम्हारी शादी एक दूसरे गैंग के लीडर की लड़की से करवाना पड़ेगा। ये सुनकर राकू जैसा मासूम लड़का डर जाता है, लेकिन बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। अब मुंह दिखाई का रस्म होता है, और ये जाता है उस लड़की का मुंह देखने के लिए। यहाँ पर वो लड़की वही किरीसाकी निकलती है। ये एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन दोनों चुप है, कुछ भी नहीं बोलते। इन दोनों को भी लड़ाई लुकवानी है, इसलिए वो दोनों बोल देते हैं कि इसका चक्कर तो मेरे साथ पहले से ही चल रहा है। ये दोनों अब फेक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं किरीसाकी के बॉडीगार्ड को। राकू इस गोरी बिल्ली को लेकर डेट पे जाता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये दोनों 2 दिन पहले ही तो मिले हैं। अब ये दोनों स्कूल में आते हैं, और क्लास वाले बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं इनका, क्योंकि क्लास में न्यू कपल्स आए हैं। राकू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब कुछ भी नहीं होने वाला। वो लड़की जिससे राकू प्यार करता है उसने ये सब देख लिया है, उसका दिल टूट चुका होता है, लेकिन अभी भी वो राकू को बहुत प्यार करती है। यही वो उसका बॉडीगार्ड भी आ जाता है जो स्कूल में घुसकर इनके ऊपर नजर रख रहा है। किरीसाकी इस बॉडीगार्ड से बहुत परेशान हो चुकी है, क्योंकि पिछले स्कूल में भी इस बॉडीगार्ड की वजह से कोई भी उसका दोस्त न बनता, क्योंकि स्कूल में मुन्ना भैया से दोस्ती करना कौन ही चाहेगा, स्कूल में सब इससे डरते थे। यहाँ राकू का भी वही सेम सिचुएशन होता है। किरीसाकी जब अकेली क्लास में बैठी होती है तब राकू उसको एक नोटबुक लाकर देता है जिसमें क्लासमेट की शक्ल बनी हुई है और उनके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है। वो कहता है कि इसमें से कुछ पढ़ लो, जाकर कुछ दोस्त वोस्त बनाओ। लेकिन तभी कुछ क्लासमेट्स आकर बुक गिरा देती हैं, और इनको लगता है कि बुक में जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसने ही लिखी है। वो ये सब चीजें देखकर बहुत खुश होते हैं कि यार ये कितनी अच्छी लड़की है, हमारे बारे में कितना कुछ जानती है, और अब इसे सब दोस्ती करना चाहते हैं। अब अगले दिन स्कूल में एक नई लड़की की एंट्री होती है, इसका नाम होता है चोचीवाना, और ये दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, और ये एक पुलिस वाले की लौंडिया है। इस वजह से इसके साथ हमेशा एक पुलिस वाली घूमती रहती है। अब ये स्कूल में आते ही अपने हीरा के ऊपर कूद पड़ती है और कहती है कि मेरे प्यारे राकू, हमारी तो शादी होने वाली है, मैं हूँ तुम्हारी फियांसे। ये सुनकर वो दोनों क्लास की लड़कियां जो राकू के ऊपर पहले से ही अपना दिल दे चुकी हैं वो सब घबरा जाती हैं। वो कहने लगती है कि ये कौन आ गया, लेकिन राकू कहता है कि अबे मैं तुमको तो जानता भी नहीं हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि उस लड़की के गले में वही चाबी जो उसने बचपन में उस लड़की को दिया था। चोचीवाना इसे बहुत चिढ़ रही होती है। राकू कहता है कि मैं तो तुझसे कभी मिला ही नहीं, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं। बेचारी चोचीवाना ये सब सुनकर बेहोश हो जाती है। ये सब जानने के बाद वो बॉडीगार्ड राकू को कोपचे में लेके जाता है और उसे धमकी देता है कि तू मेरे मालकिन का दिल नहीं तोड़ सकता, वरना मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन राकू कहता है कि नहीं, मुझे सच में इस मर्दाना लड़की से प्यार हो गया है, यानी कि इस गोरी बिल्ली से। ये सुनकर वो जो गोरी बिल्ली होती है वो बहुत खुश होती है। दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब इनके बीच लड़ाई वगैरह नहीं होती, लेकिन एक दिन राकू उसको बताता है कि बचपन में जब मुझे धोना भी नहीं आता था उसी टाइम मैंने एक लड़की को शादी का वादा किया था, और उस लड़की को मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ गले में लटके हुए चाबी के लिए, लेकिन आज तक मुझे नहीं मिली। राकू किरीसाकी और चोचीवाना को दोनों को अपने घर पे बुलाता है ग्रुप स्टडी के लिए। अगले दिन यहाँ पर किरीसाकी आती है अपने फॉर्मल गुंडों को लेकर। इसके यहाँ पर बहुत सारे मेंबर आए होते हैं कि मान लो बाई चांस लड़ाई उड़ाई शुरू हो गया तो, और गोली वोली चलाना पड़े या खाना पड़े तो हम लोग काम आएंगे। अपना हीरो भी कम नहीं होता, ये भी अपने छपरी गुंडों को लेकर आया होता है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है चोचीवाना की। चोचीवाना इन सबसे एक कदम आगे होती है, ये पुलिस और मिलिट्री लेकर ग्रुप स्टडी पढ़ाई करने के लिए आई हुई है। अब यहाँ माहौल गर्मा गर्मी का हो चुका है, लेकिन गैंग मेंबर्स बहुत ही समझदार होते हैं। वो राकू और किरीसाकी को उठाकर एक कमरे में फेंक देते हैं, क्योंकि बाहर तो ये दोनों कुछ करते नहीं, अब अंदर जाकर शायद कुछ कांड करें। अंदर दोनों आ जाते हैं, मस्त अंधेरा होता है, और यहाँ जो अपनी गोरी बिल्ली होती है वो राकू को पकड़ लेती है। लेकिन ये लड़का लड़कों के नाम पर कलंक है, एक नंबर का नूब निकलता है। इतना अच्छा इसके पास मौका है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को गवा देता है। हम देखते हैं उस मासूम लड़की को जो राकू को बहुत ज्यादा पसंद करती है, और इसके पास वही लॉकेट वाला की है जो बचपन में इस निब्बी को दिया था, और यही वो लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा है। इसने ये बात राकू को नहीं बताई, क्योंकि ये चाहती है कि इसका प्यारा राकू आकर इसको ढूंढे। और हर जैपनीज मूवी की तरह इसमें भी एक फेस्टिवल आता है, और यहाँ पर बेचारी जो कोसाकी होती है वो खड़ी होकर बोलती है कि सर सर हमें रोमियो और जूलियट का सीन करना चाहिए। यहाँ राकू खड़ा होता है और बोलता है कि मैं रोमियो बनूंगा, और गोरी बिल्ली खड़ा होकर जूलियट बन जाती है। अब वो बेचारी कोसाकी जिसने ये प्लान बताया था उसको टीचर कुछ भी नहीं बनाते,
उसको रोल ही नहीं देते। अब ये दोनों ड्रामे की प्रैक्टिस करने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं क्योंकि स्कूल में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलती, इसलिए ये लोग यहाँ आए हुए हैं। अब रात को हम देखते हैं कोसाकी को जो राको को सब बताने वाली है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लौंडा भागता हुआ आता है और बोलता है कि यार वो गोरी बिल्ली खो गई। अब राको भागता हुआ जाता है उसको खोजने के लिए और देखता है गोरी बिल्ली बिल्ली बनकर पेड़ के नीचे बैठी हुई है। दोनों साथ में यहाँ टाइम बिताते हैं और आज गोरी बिल्ली इसको दबोचने के चक्कर में है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करती राको बोल देता है कि यार हमारी जोड़ी नहीं बनने वाली। गोरी बिल्ली अपने अरमानों को लेकर वापस रूम में आ जाती है और रूम में उसकी नजर कोसाकी के ऊपर जाती है जो उस लॉकेट को देख लेती है और वो समझ जाती है कि यही लड़की है राकू की राजकुमारी। और अगले दिन स्कूल में आकर बोलती है कि मैं नहीं बनने वाली जूलियट, मैं वापस जा रही हूँ विदेश, तुम लोग अपना देख लो। और यहाँ कोसाकी को रोल मिल जाता है, लेकिन ये गधई लड़की इसके पास इतनी अच्छी किस्मत थी, लेकिन ये गिर कर पैर तुड़वा लेती है और कहती है कि अब मैं नहीं बन पाऊंगी जूलियट, और अब रोल वापस से गोरी बिल्ली को मिल जाता है। अब यहाँ पर इनका शो स्टार्ट होता है, दोनों गैंग के मेंबर भी आए हुए हैं। जूलियट जो होती है अपनी रियल फीलिंग्स यहाँ पर निकाल देती है और इस वजह से शो बहुत ही रियल जैसा लगने लगता है और ऑडियंस भी ये सब देखकर फुल खुश एकदम चिल्ला रहे होते हैं। लास्ट में गोरी बिल्ली कहती है कि मैं जा रही हूँ न्यूयॉर्क, तू छत पर जा, वहाँ पर तेरी आइटम तेरा इंतजार कर रही है। वो आता है तो देखता है कि यहाँ पर कोसाकी है और बताती है कि मैं ही वो लड़की जिसको बचपन में तुमने वादा किया था, और अपना नेकलेस भी दिखाती है। ये सब देखकर राको खुश तो बहुत होता है, लेकिन बोलता है कि नहीं मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये भी इसकी बातों को समझ जाती है और बोलती है कि हाँ जाओ। यहाँ गोरी बिल्ली यूएस जा रही होती है, रास्ते में ट्रैफिक होता है इसलिए वो चोसी वाना का हेल्प लेती है और जाकर प्लेन में बैठ जाती है। बाहर राको आ गया होता है और यहीं पर उसका बॉडीगार्ड मिलता है, वो उसको पकड़ लेता है और एक पंच मारता है और कहता है कि अगर तू मेरी मालकिन से सच्चा प्यार करता है तो प्रूव करके दिखा। वो कहता है कि चला दे गोली, मार दे आज मुझे, और ये चला भी देता है लेकिन गन खाली होती है। और यहाँ पर पूरा बॉलीवुड वाला सीन बन चुका होता है, ये उम्मीद नहीं थी जापानीज मूवी से। ये पंच खाने के बाद रनवे पे भागता है, गोरी बिल्ली इसको देखती है और प्लेन को रुकवाती है। अभी दोनों बाहर मिलते हैं, लेकिन इस बार माहौल गर्मा गर्मी का नहीं होता क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था और काफी ठंड पड़ रही थी। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। अब हमारी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर ऐसी ही वीडियो देखनी है तो कमेंट करो और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।